बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली आज की मैटलैब के ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम मल्टीपल साइन वेव को किस तरीके से ऐड करते हैं। तो आज के जो टॉपिक है, इसके अंदर हम दो तरीकों से डिफरेंट मैटलैब में साइन वेव को, मल्टीपल साइन वेव को ऐड करें। इससे पहले जो प्रोग्राम थे उसमें हमने सिर्फ एक सिंगल साइन वेव को पहले प्लॉट करना सीखा था, डिफरेंट तरीकों से, इनपुट के थ्रू देखा था, सिंपल तरीके से देखा था, फंक्शन के थ्रू देखा था। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमने किया था वो था कि हमने दो साइन वेव को अगर ऐड करना है तो वो हम किस तरीके से ऐड करेंगे। आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास एन नंबर ऑफ साइन वेव और उनको अगर आपने ऐड करना वो हम किस तरीके से कर सकते। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा टेक्निक उसमें डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिंगल, और उसमें क्योंकि मल्टीपल्स हैं तो आज हम इसको दो तरीकों से करेंगे। एक जो तरीका है इसका मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये एम्पलीट्यूड आ गए। एक तरीका है जिसमें हम व्हाइल लूप इस्तेमाल करें, क्योंकि करना ये है कि हमने मल्टीपल साइन वेव की इनपुट्स लेनी, यूजर पर डिपेंड करता है। वो दिल करता है तो वो आपको तीन साइन वेव देगा उनको ऐड करने को, उसका अगर दिल करता है आपको 10 साइन वेव्स को अगर हमने ऐड करना है, और अगर उसका दिल करता है कि जी मैं 100 साइन वेव देना चाह रहा हूँ, सिग्नल्स देना चाह रहा हूँ आप उनको ऐड करें, वो आप तमाम के तमाम इसमें इस प्रोग्राम के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अब सबसे पहले हमने क्या करना है, वो इनपुट्स को लेना है। तो इसमें सबसे पहले जो है, अगर आप कोई डीसी कंपोनेंट उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो मैंने इसकी इनपुट लिया ए नॉट। मैंने कहा इनपुट एंटर योर डीसी वैल्यू ऑफ A0 is equal to 10, यहाँ से इसकी इनपुट ले ली। साथ ही मैंने यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल A1 एक ले लिया। ये क्यों ले लिया है, ये बेसिकली वाइल लूप लगाई, यहाँ पे हम जो है वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं, ये कंडीशनल लूप है, तो आगे जाके यहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही है ये लूप इस पूरे पोर्शन। बहरहाल जी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने फ्रिक्वेंसी का एम्प्टी वेक्टर ले लिया और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड का एम्प्टी वेक्टर ले लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक लूप चलाई है वाइल ए, ये बेसिकली वाइल वन है। क्या आपको पता है कि वाइल लूप जो है वो बेसिकली कंडीशनल लूप है। वो कंडीशनल लूप जो है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी टाइम उसको मूव कराना चाहते हैं, फिक्स लूप नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, वाइल वन कर दी। तो ए की वैल्यू जब तक वन रहेगी ये चलती रहेगी लूप, और ये सारी इनपुट जो है वो मांगता रहेगा। जैसे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये बेसिकली इस लूप से निकल जाएगा और फिर आगे ये प्रोग्राम चलेगा। तो इस लूप में हम कर क्या रहे हैं, हर एक से उसकी फ्रिक्वेंसी मांग रहे हैं और उसका उस फ्रिक्वेंसी का कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड मांग रहे हैं। जब हमने ये दोनों चीजें ले ली, लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करें, उस एम्प्टी वेक्टर में ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया था कंकेटिनेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फ्रिक्वेंसी ऐड करेगा वो साथ जुड़ जाएगी, साथ साथ रो में ऐड होती जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको जो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है वो भी आपका कंकेटिनेट होता जाएगा आपकी जैसे जैसे एंट्री आएंगी। उसके बाद जब एक दफा लूप चलेगी तो वो आपसे पूछेगा प्रेस जीरो टू फॉर एग्जिट। अगर आप जीरो को प्रेस कर देंगे तो एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। अदरवाइज ए की आप कोई भी वैल्यू दे दें, नॉर्मली तो मैंने वन की हुई, तो ये लूप जो है वो कंटिन्यूसली चलती जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ से फिर हमने इनपुट ले, इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है वो क्या, हमने इसको ऐड करना है। वो ऐड करना है, यहाँ से हमने अगेन ड्यूरेशन ले ली कि हम कितनी साइन वेव को कितने ड्यूरेशन के लिए प्लॉट करना चाह रहे हैं। अगेन टाइम पीरियड मैंने आपको लास्ट लैब में भी बताया था कि ट्रिक ये होता है जब मल्टीपल साइन वेव हो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की, तो हमने टाइम पीरियड को हमेशा मिनिमम टाइम वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम फ्रिक्वेंसी डिफाइन करता हूँ। तो हमने क्या किया, मिनिमम फ्रिक्वेंसी का टाइम पीरियड डिफाइन किया, क्योंकि ये वेक्टर है आपका ऊपर, ये वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली इस वेक्टर में से जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी एंटर की होगी वो हम उससे लिहाज का टाइम पीरियड डिफाइन कर लेंगे। और फिर यहाँ से हमने ये टाइम वेक्टर डिफाइन कर दिया कैसे, जीरो से चलेगा और जितनी ड्यूरेशन कही होगी उतने टाइम पीरियड देंगे। मैं दो टू ड्यूरेशन को टू कर दूंगा तो दो टाइम पीरियड तक जो चलेगा, और हर टाइम पीरियड में 30 सैंपल लेगा। ये फिर हमने क्या किया, एक सम का वेक्टर ले लिया जिसमें से इनिशियली जीरो फेंक दिए, और नेक्स्ट में जो हमने क्या किया, लूप चला दी
लूप जो है जितनी फ्रिक्वेंसीज काम होंगी, जितनी दफा फ्रिक्वेंसी चले, जितने कंपोनेंट होंगे उतनी दफा लूप चलेगी। उसमें क्या होगा, हर दफा ये वेक्टर हमने बनाया सिग्नल का और उस वेक्टर को हमने ऐड कर लिया सम के अंदर। शुरू में सम में जीरो पड़ा होगा तो पहला वेक्टर होगा तो वो एज इट इज सिग्नल आ जाएगा। अगली दफा लूप चलेगी तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो उसमें ऐड होती जाएगी। तो ये इस तरीके से लूप चलती रहेगी और फिर ये हमने इसको प्लॉट कर देना। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप डिफरेंट मल्टीपल साइन वेव को ऐड कर सकते हैं। अब इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे आना शुरू हो गया। इसमें आप देखें सबसे पहले डीसी कंपोनेंट की वैल्यू, मैं कहता हूँ ए नॉट की वैल्यू 1 है। उसके बाद वो कहते हैं फ्रिक्वेंसी बताएं, मैं कहता हूँ जी मेरी जो फ्रिक्वेंसी 24.5 है। कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड मैं कहता हूँ जी 2J है। अब वो पूछता है कि जी आपने इसको कंटिन्यू करना है, मैं कहता हूँ जी यस 1 कर देता हूँ। तो ये चल पड़ा। आगे वो फ्रिक्वेंसी मांगेगा, मैं कहता हूँ जी मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो 75 है, ठीक है। इसका जो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है वो कहता हूँ जी 6 है। और वो कहता है जी 1 2 कंटिन्यू, मैं 0 प्रेस करता हूँ तो मैं इस लूप से निकल जाऊंगा। अब ड्यूरेशन पूछेगा, ड्यूरेशन मैंने बता दी 4 और अब एंटर किया। तो अब आप देखेंगे प्लॉट जो है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये ग्राफ आपकी स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया। अगर आप इसको दोबारा रन करना चाहें दोबारा रन कर सकते हैं। इसमें मैंने जाकर दोबारा प्ले किया, ए नॉट की वैल्यू उसने मांग ली, मैंने कहा जी ए नॉट की वैल्यू 3 है। फ्रिक्वेंसी मांगी, फ्रिक्वेंसी मैंने कहा जी 100 में कह देता हूँ। फिर कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड मांगा 2+, फोर जे दे दिया। मैंने कहा जी नहीं मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्यों, मैंने कहा जी फ्रिक्वेंसी दे दी 125, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड 3J दे दिया, मैं कहता हूँ 0। तो आप देखेंगे ड्यूरेशन में कहता हूँ 4 साइकिल। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास उसकी वेव फॉर्म। तो ये अगर आप चाहें जितनी भी वेव फॉर्म प्लॉट करना चाहें तो वो इजिली आप प्लॉट कर सकते हैं। ये आपको अब नेक्स्ट जो चीज है वो दूसरा मेथड है, वो हम बेसिकली फंक्शन के थ्रू करेंगे। अब फंक्शन और इनपुट में फर्क ये है कि जो भी चीज़ आप फंक्शन, इससे में फायदा क्या होता है, ये जो ऊपर हमें लूप लगाई इससे हम बच जाएंगे, ये जो यहाँ पे लूप व्हाइल लूप, क्योंकि फंक्शन में यूजर ने इनपुट देनी है। तो फंक्शन का प्रोग्राम बड़ा छोटा है, इसमें हमने क्या किया, फंक्शन ले लिया x इज इक्वल टू माई अंडर स्कोर एन कॉज एफ एक्स ए नॉट और ड्यूरेशन। अब ये f क्या है, बेसिकली f आपकी फ्रिक्वेंसीज वेक्टर है, ये क्या जी आपकी फ्रिक्वेंसी वेक्टर है, इसको आप कमेंट कर दें। कमेंट्स इसलिए किए जाते हैं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, और समटाइम ये हेल्प का काम भी करते हैं। कैपिटल x क्या है, कैपिटल x इज बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, इसको भी कॉम्प्लेक्स, और a नॉट क्या है वो आपकी नॉट इज इक्वल टू डीसी कॉम्पोनेंट। ये अब क्योंकि यूजर ने देने तो हमें इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो लूप लगाने की जरूरत। बाकी जो प्रोग्राम है वही है जो हमने वहां पे बनाया था। अब इसके अंदर आसानी ये है कि आपको वेक्टर खुद से, वो वेक्टर यूजर ने दे, इसको अगर हमने रन करना है मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा माई एन, पहले मैं वैक्टर डिफाइन कर लेता हूँ, एफ टाइप वैक्टर डिफाइन कर लेता हूँ, ये मैंने फ्रिक्वेंसी वैक्टर डिफाइन कर लेता हूँ,
मैं कहता हूँ जी मेरे को 100 फ्रिक्वेंसी है, कॉमा 200 है, कॉमा 300 है, ये मैंने फ्रिक्वेंसी वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड वेरिएबल आप जो मर्जी ले लें, फॉर द सिंपलिसिटी मैं वही वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि मैंने डिफाइन किए। कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड आ गया लेट्स सपोज 2 प्लस, प्लस 3j, जे कॉमा 2j कॉमा 5, ये हमने तीनों वेक्टर ले लिए, एंटर किया। अब मैं फंक्शन को कॉल कर लूँगा, यहाँ पे बॉडी में पेस्ट किया शुरू, इधर कैपिटल क्या कह देना एफ, फ्रिक्वेंसी मैंने दे दी फ्रिक्वेंसी एफ कॉमा कैपिटल एक्स, ए नॉट की वैल्यू 1 कर देता हूँ, और ड्यूरेशन में कहता हूँ जी मैंने 4 सेकंड ले, ठीक है, और ब्रैकेट में इधर क्लोज कर दो। आप देखेंगे एंटर करें तो आपको ये रिजल्ट साथ नज़र आ रहा है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से हमने मल्टीपल साइन वेव को ऐड कर लिया। आपको ये लैब लेक्चर जो है समझ आया होगा, जिसके थ्रू हमने नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा इनके थ्रू जो हम फोरियर कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट किस्म की साइन वेव प्लॉट करते हैं, वो करना सिखाऊंगा कि फोरियर में हम किस तरीके से एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके और अपनी साइन वेव को इन कोफिशिएंट्स की मदद से जो है कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी की मदद से स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव को किस तरीके से बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।